हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी एंड सक्सेस। मॉक टेस्ट नंबर 11 डिस्कस करूंगा मैं आपके साथ, जिसमें 50 इंपॉर्टेंट ईडियम फ्रेजेस डिस्कस करूंगा और मैं दो मॉक टेस्ट और लेकर के आऊंगा जो कि ईडियम फ्रेजेस पर ही बेस्ड होंगे। तो होप करता हूं वीडियो आपको पसंद आ रहे होंगे। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहला है, आफ्टर लिसनिंग टू द स्टूडेंट स्टेटमेंट द टीचर हैड टू ईट हर वर्ड्स। ईट हर वर्ड्स का मतलब होता है विड्रॉ हर वर्ड्स, अपने शब्द वापस लेना। नेक्स्ट है टू लूज ग्राउंड। तो जो टू लूज ग्राउंड का मतलब होता है, एक तरह से आप जब कम पॉपुलर हों, टू बिकम लेस पॉपुलर। टू मेक बोथ एंड्स मीट। टू मेक बोथ एंड्स मीट का जो मतलब होता है, टू लिव विद इन वन इनकम, कि जो आमदनी होती है उसी के हिसाब से खर्चे करना। इसके अलावा एक और मैंने आपके साथ प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था, टू लीव द पेल। टू लीव द पेल इसका मतलब होता है खर्चे आमदनी से ज़्यादा खर्चा करना, एक तरह से आमदनी अठन्नी और खर्चा रुपया। तो यहाँ पर ये दोनों देख लेना, टू मेक बोथ एंड्स का मतलब होता है टू लिव विद इन वंस इनकम, और टू लीव द पेल का मतलब होता है अपनी इनकम से ज़्यादा खर्च करना। टू फॉल बैक। नेक्स्ट है टू फॉल बैक। टू फॉल बैक का मतलब होता है टू सीक सपोर्ट आउट ऑफ नेसेसिटी। टू मेक वंस ब्लड बॉयल, तो इनमें से क्या होगा, टू मेक समबडी फ्यूरियस, टू डेवलप फीवर, टू गेट एक्साइटेड और टू मेक समवन नर्वस। तो ये इसका मतलब होता है टू मेक वंस ब्लड बॉयल, टू मेक समबडी फ्यूरियस, यानी कि किसी को उग्र बनाना। सी डिसाइडेड दैट सी वुड गेट हिज जॉब बाई हुक एंड क्रुक। बाई हुक एंड क्रुक होता है किसी भी तरह से, कुछ भी हो, चाहे सही हो गलत हो, एनी मीन्स, किसी भी तरह से जो काम किया जाए उसके लिए यूज़ किया जाता है बाई हुक और बाई क्रुक। बाई एनी मीन्स राइट और रॉन्ग। इन डिबेट नो वन इज अलाउड टू सिट ऑन द फेंस। सिट ऑन द फेंस का मतलब होता है टू अवॉइड टेकिंग साइड्स। द मैटर हैज़ बीन सॉर्टेड आउट, ये ईजी है। सॉर्टेड आउट का मतलब होता है एक तरह से सॉल्यूशन रिजॉल्वड, ऑप्शन सी। द सोल्जर्स कैरीड आउट द ऑर्डर्स ऑफ द जनरल वेरी इफेक्टिवली। कैरीड आउट का मतलब क्या होता है, एक्साइटेड, एग्जीक्यूटेड, सपोर्टेड या अप्लाइड। तो एग्जीक्यूटेड मतलब लागू करना, ऑप्शन बी। दे सेट ऑफ बाई कार फॉर मुंबई लेट इन द इवनिंग, कि वो मुंबई के लिए सेट ऑफ किया। सेट ऑफ का मतलब है स्टार्ट किया। वंस हिज क्राइम वॉज डिस्कवर्ड ही हैड नो ऑप्शन बट टू कम क्लीन। टू कम क्लीन का मतलब यहाँ पर क्या होगा, टू डिनाई द क्राइम, टू कन्फेस द क्राइम, टू अक्यूज समवन एल्स ऑफ द क्राइम या टू अपोलोजाइज फॉर द क्राइम। तो यहाँ पर जो होगा टू कन्फेस द क्राइम, कि उसके पास कोई ऑप्शन नहीं था कन्फेस करने के अलावा। द एम्प्लॉइज वर कैप्ट इन द डार्क। कैप्ट इन द डार्क होता है अनभिज्ञ रखना, किसी को अनजान बातों से या किसी भी आपकी सूचना से अनभिज्ञ रखना, जानकारी न देना। तो इसका जो होगा वर नॉट इन्फॉर्म्ड एट ऑल। When things go wrong, जिस तरह से चीज़ें गलत जाती हैं, everyone start passing the buck। Passing the buck का मतलब होता है एक दूसरे पर आरोप लगाते रहना। तो यहाँ पर क्या होगा, blame someone else। To keep the wolf from the door, SSC के एग्जाम में कई बार आया है। To keep the wolf away from the door का मतलब होता है to avoid extreme poverty, गरीबी से बचने की कोशिश करना। कोशिश करना टू अवॉइड एक्सट्रीम पॉवर्टी। टू ब्रेक द आइस, ये मैंने प्रीवियस में भी आपके साथ डिस्कस किया था। तो इसका जो आंसर है आप मुझे कमेंट में बताओगे क्या होता है। ऑप्शन ए टू क्लियर द स्नो, टू स्टार्ट क्वेरल, टू कमेंस एन इंट्रैक्शन या टू रिवाइव ओल्ड एनिमिटी। एनिमिटी का मतलब होता है शत्रुता। तो आप मुझे कमेंट में ये बताएंगे। स्पिक एंड स्पान। स्पिक एंड स्पान का मतलब होता है साफ सुथरा, नीट एंड क्लीन। द प्रोज एंड कॉन्स। प्रोज एंड कॉन्स का मतलब होता है फॉर एंड अगेंस्ट, इस तरह से क्या फ़ायदे हैं क्या नुकसान है।
टू एक्सप्लोर एवरी एवेन्यू का मतलब होता है टू ट्राई एवरी अपॉर्चुनिटी. इसके लिए टू ट्राई एवरी अपॉर्चुनिटी के लिए एक और आता है टू फाइट टूथ एंड नेल. इसका मतलब भी होता है हर संभव प्रयास करना. दोनों का यहाँ पर एक ही है. टू एक्सप्लोर एवरी एवेन्यू का टू ट्राई एवरी अपॉर्चुनिटी, और अगर आए पेपर में टू फाइट टूथ एंड नेल तो उसका भी होगा टू ट्राई एवरी अपॉर्चुनिटी. ए रेड लेटर डे इम्पोर्टेंट है. ए रेड लेटर डे का मतलब होता है एन इम्पोर्टेंट और जॉयफुल ओकेजन इन वंस लाइफ. टू हैव समथिंग अप वन स्लीव. टू हैव समथिंग अप वन स्लीव का मतलब होता है टू हैव ए सीक्रेट प्लान ऑन द स्पर ऑफ द मूवमेंट. ऑन द स्पर ऑफ द मूवमेंट का क्या होगा, टू एक्ट एट वंस, टू राइड ए हॉर्स इन ए रेस, टू एक्ट डेलिबरेटली, टू एक्ट एट द अपॉइंटेड टाइम. तो यहाँ पर सही होगा टू एक्ट एट वंस. व्हेन माय फ्रेंड वाज इन कोलकाता ही रैन इनटू एन ओल्ड फ्रेंड एट द थिएटर. रैन इनटू का मतलब यहाँ पर होगा मैट एक्सीडेंटली, कि जब मेरा दोस्त कोलकाता में था तो वो रैन इनटू एन ओल्ड फ्रेंड, यानी कि मैट एक्सीडेंटली वो अपने एक दोस्त से, पुराने दोस्त से थिएटर पर मिला. द न्यूज़ ऑफ द प्रेजिडेंट डेथ स्प्रेड लाइक वाइल्ड फायर. आग स्प्रेड लाइक वाइल्ड फायर, जिस तरह से आग फैलती है, आग बहुत तेज़ी से फैलती है वाइल्ड फायर, तो यहाँ पर हो गया स्प्रेड रैपिडली, तेज़ी से फैलना. Going abroad for a holiday was out of the question. Out of the question का क्या होगा, Indesirable, impossible, unpleasant, irresistible. तो यहाँ पर होगा impossible. As a businessman, my father always maintained that his transaction constitute an open book. An open book का मतलब होता है straight forward. यानी कि स्पष्ट और क्या honest dealing. जो ऑनेस्ट डीलिंग यानी कि ईमानदार, स्पष्ट और ईमानदार के लिए एन ओपन बुक का यूज़ किया जाता है. नेक्स्ट एट द प्रोजेक्ट एडवांस्ड बाय लीप्स एंड बाउंड्स. लीप्स एंड बाउंड्स का मतलब होता है रैपिडली. सी इज टू ऑफन फॉन्ड ऑफ हर वॉइस. टू फॉन्ड ऑफ हर ओन वॉइस का मतलब होता है बहुत ज़्यादा बातचीत करने वाला, वेरी टॉकेटिव. इंडियन पुलिस इज ऑन द होल हाई हैंडेड इन डीलिंग विद द सिटीजंस. हाई हैंडेड का मतलब होता है एक तरह से ओवर बियरिंग, घमंडी, रौबदार, ठीक है. और अगर गिव ए हैंड का मतलब होता है हेल्प करना, मदद करना, और हाई हैंडेड हो गया ओवर बियरिंग, घमंडी या रौबदार. आई टेक एक्सेप्शन टू योर स्टेटमेंट दैट आई एम बैड टेम्पर्ड. यहाँ पर जो सही होगा वो होगा ऑप्शन सी, ऑब्जेक्ट. हिज स्पीच फेल शॉर्ट ऑन द ऑडियंस. फेल शॉर्ट का मतलब होता है किसी तरह का प्रभाव ना होना, हैड नो इफेक्ट ऑन द ऑडियंस. द ऑफिसर कॉल्ड फॉर एन एक्सप्लेनेशन फ्रॉम द कैशियर फॉर द स्टोरेज ऑफ कैश. कॉल्ड फॉर का मतलब होता है डिमांडेड. We wanted the gift to be a surprise for my mother, but my sister gave away the game. कि हम अपनी मदर के लिए गिफ्ट देना चाहते थे, but my sister gave the game away. कि उन्होंने जो gave away का मतलब हो गया एक तरह से gave out the secret, कि रहस्य को उजागर कर दिया. द एक्ट्रेस टुक क्यू. क्यू का मतलब ही हिंट होता है. क्यू का मतलब होता है एक तरह से हिंट. तो यहाँ पर होगा टुक क्यू फ्रॉम, तो ए हिंट. द एक्ट्रेस टुक क्यू फ्रॉम हर ब्रदर एंड बिकम सक्सेसफुल, यानी कि ए हिंट. लेट अस हैव ए हर्ट टू हर्ट टॉक. हर्ट टू हर्ट टॉक का मतलब होता है एक तरह से फ्रेंक टॉक. टू मिस द बस, टू मिस एन अपॉर्चुनिटी. टू मिस द बस का मतलब होता है टू मिस एन अपॉर्चुनिटी. बर्ड्स ऑफ सेम फेदर है एक ही थाली के चट्टे बट्टे. पर्सन्स विद सेम कैरेक्टर. टू फाइट टूथ एंड नेल, ये मैंने अभी आपको बताया, इसका मतलब होता है टू मेक एवरी पॉसिबल एफर्ट.
टू कॉल ए स्पेड टू बी फ्रैंक बाई पुटिंग टू एंड टू टुगेदर बाई पुटिंग टू एंड टू टुगेदर तो इसका क्या होगा टू मिक्स सेवरल थिंग्स टू मेक एन अर्थमेटिकल कैलकुलेशन टू मेक सॉरी टू कीप पीपल इन पेयर्स टू डिड्यूस फ्रॉम गिवन फैक्ट डिड्यूस का मतलब होता है इसे निचोड़ निकालना टू डिड्यूस फ्रॉम गिवन फैक्ट्स ऑप्शन डी टू लुक डाउन वंस नोज तो इसका होता है टू रिगार्ड विद कंटेम्प्ट तिरस्कार करना टू सैड क्रोकोडाइल टीयर्स मगरमच्छ के आंसू हिंदी में कहते हैं ना मगरमच्छ के आंसू यानी कि एक तरह से डोंग करना प्रिटेंड ग्रीफ दुख होने का डोंग करना टू प्रिटेंड ग्रीफ ऑप्शन बी टू कॉल इट ए डे का मतलब होता है टू कंक्लूड प्रोसीडिंग्स टू पुट अप विद का मतलब होता है एक तरह से टू एडजस्ट सामंजस्य कर बिठाना टू टेक टू हर्ट टू ग्रीफ ओवर ह्यूमैन सर्विस इंपॉर्टेंट है कई बार आया है इसमें क्या होगा मेडिकल हेल्प एक्सीलेंट वर्क सोशल वर्क या हार्ड वर्क तो एक्सीलेंट वर्क को हम ह्यूमैन सर्विस कहते हैं टू गो स्कॉट फ्री का मतलब होता है टू एस्केप विदाउट पनिशमेंट बिना दंड के बच निकलना टू सी रेड का मतलब होता है गेट एंग्री एक तरह से कह देते हैं कि लाल हो गया तो लाल यानी कि गुस्से से लाल हो गया गेट एंग्री इन द निक ऑफ टाइम प्रिसाइजली इन द राइट टाइम द स्टेज हैज़ बीन सेट जो स्टेज है वो सेट हो चुकी है किस तरह से द सिचुएशन इज कंड्यूसिव कंड्यूसिव एक तरह से है अनुकूल होना द सिचुएशन इज कंड्यूसिव ऑन दिस साइड ऑफ द ग्रेव इन दिस वर्ल्ड ऑन दिस साइड ऑफ द ग्रेव का मतलब होता है इस संसार में ए मैन वाइल प्रिटेंडिंग टू बी योर फ्रेंड सेट्स ए स्पाई टू वॉच योर एक्टिविटीज इज इंडीड ए स्नेक इन द ग्रास तो ए स्नेक इन द ग्रास का क्या होगा कि एक आदमी जो आपका दोस्त बनने की कोशिश करता है और आपके ऊपर जासूस लगाता है तो वो एक स्नेक इन द ग्रास की तरह है क्या है सीक्रेट एनिमी है और लास्ट है द ऑडियंस वॉज ग्रेटली इम्प्रेस्ड दो आई स्पोक ऑफ द कफ का मतलब होता है विदाउट प्रिपरेशन बिना तैयारी के और जो बिना तैयारी के जो स्पीच डिलीवर की जाती है वो मैंने वन वर्ड में आपके साथ डिस्कस किया था आप मुझे कमेंट करके बताएं ए स्पीच मेड ऑफ विदाउट प्रिपरेशन इज कॉल्ड वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में अगर आपको याद है तो कमेंट करके बताइए होप करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा प्लीज़ वीडियो को लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।